जितने प्रांत है वो कोई प्रांति नहीं है, वहां कोई हिंदुस्तानी नहीं बसता। चलिए मुरार शरण शुक्ल जी, आप कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे जिस तरीके से कह रहे हैं कि ठाकरे परिवार को खुद देखना चाहिए? अभी जो परिस्थितियां क्रिएट की है कांग्रेस के नेताओं ने, उससे ऐसा लगता है कि जैसे पूरे आजादी के आंदोलन में 1757 से लेकर 1947 तक केवल और केवल नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी और राहुल गांधी और महात्मा गांधी, इन्हीं लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया। सारे जगहों पर, देश के सारे संस्थानों पर इंदिरा, नेहरू और राजीव के नाम, सारे योजनाओं पर इन्हीं के नाम, भारत आरबीआई जब करेंसी छापती है तो सारे करेंसी पर इन्हीं के फोटो और नाम, मतलब गांधी और नेहरू के अलावा देश में कोई किसी ने शहादत दिया ही नहीं। चंद्रशेखर आजाद भुला दिए गए, भगत सिंह भुला दिए गए, सुभाष चंद्र बोस भुला दिए गए, रास बिहारी बोस भुला दिए गए, इतने सारे लोगों ने जो देश के लिए बलिदान दिया, वो क्या शहीद नहीं थे? उनका बलिदान नहीं था? सारा का सारा बलिदान बस इन्हीं चार लोगों ने दिया। चलिए अजय वर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया। जो बच्चा अगर इंटर में पढ़ेगा और वो टॉप लाएगा, डिस्टेंशन मार्क्स लाएगा, 95% लाएगा, तो काम और पढ़ाई उसी की तो भूलेगी। हिंदुस्तान में जो लोग काम करेंगे, जो लोग संसार में काम करेंगे, मतलब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो अच्छा अच्छे विद्यार्थी, आप उनको नहीं मानते हैं इसलिए उनको याद नहीं किया जाना चाहिए? उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी ने, लेकिन वो युग था, वो उन क्रांतिकारी युग था, आजादी से पहले की घटना थी, आजादी से पहले का घटनाक्रम था। उन लोगों ने अपने समय पर हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानी दी वो, लेकिन इस परिवार ने, नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने हिंदुस्तान के लिए, ये लोग कहते थे राजीव गांधी को जब कंप्यूटर लेके आए थे, अरे बर्बाद कर देंगे, यही देश के बड़े बड़े नेता विपक्ष के कहते थे, आज वो सारे के सारे विपक्षी के नेता कंप्यूटर से अपने प्रगति को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, अपने समाज को चला रहे हैं। आज एक आधे मिनट मेरी बात सुनिए, मैं रोकना चाहता हूँ। कंप्यूटर लेकर राजीव गांधी भारत में आए, और कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज है, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल फेसबुक और ट्विटर को क्यों फिल्टर कर रहे हैं? अगर आपने उसको एक बार अच्छा माना तो आज दोबारा वो खराब कैसे हो गया? आपने आप अपनी एक एक बिंदुओं पर रखिए, एक नीति पर रहिए, बार बार आप नीति बदलते हैं। कंप्यूटर को एक बार अच्छा कहते हैं तो आज फेसबुक ट्विटर जब आपके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, जब वो राष्ट्र के बारे में अच्छी बातें और सच्ची बातें कह रहा है, तो आप उसको न्यायालय के माध्यम से और कई अध्यादेशों के माध्यम से, पहले तो आप विधेयक लाकर उसको बैन करना चाहते थे जब आपकी नीति सफल नहीं हुई और दुनिया भर में आवाज उठी आपके खिलाफ, तब आप अदालत और बाकी कानूनों के तिक्रम से इसको बंद करना चाहते हैं? ये देशभक्ति और ये देश का काम है क्या? आप बार बार जनता की आवाज दबाते हैं, कभी कभी इमरजेंसी लागू करके डिक्लेयर्ड तौर पे इमरजेंसी लागू करते हैं, कभी अघोषित रूप से इमरजेंसी लागू कर रहे हैं। जनता की आवाज को दबाना है कांग्रेस का पूरा शुरू से स्वभाव रहा है, शुरू से आदत रही है, और इसको आप देशभक्ति का कार्य कहते हैं? देखिए, कुछ फैसले देश हित में लिए जाते हैं, कुछ फैसले देश हित में लिए जाते हैं, वर्तकाल परिस्थिति और समय को ध्यान पर लेकर। देश हित में फैसले नहीं लिए गए जी, मैं आपको बताता हूँ। कपिल सिब्बल जब बात करने बैठे फेसबुक के सारे अधिकारियों और ट्विटर गूगल के सारे अधिकारियों से, जब कपिल सिब्बल बात करने बैठे बाहर, तो प्रेस में उन्होंने कहा कि हम सारे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटाना चाहते हैं, लेकिन जब टेबल पे बैठे तो उन्होंने केवल दो लोगों की बात की, सोनिया और मनमोहन के बारे में जो आपत्तिजनक तस्वीरें और मैटर है वो हटाइए। ये सोनिया और मनमोहन ही देश है क्या? देश की 121 करोड़ जनता को आप हटा करके केवल और सोनिया और मनमोहन के आप तस्वीर और आपत्तिजनक बातों को हटाने की बात क्यों करते हैं? 125 करोड़ की जनता में मान्यवर आप भी तो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठाकरे साहब भी तो प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र कोई हिंदुस्तान की बपोती, ठाकरे परिवार की बपोती कोई हो गई? वो बिहार से निकले हुए हैं, वो टिप्पणियां शोभनीय तौर पर पूरे हिंदुस्तान के लिए करते हैं क्या? महाराष्ट्र की उत्तर देश की नाक है क्या? जब उन्होंने बिहार के बारे में टिप्पणी की और आगे भी करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना वो बिहार का नागरिक है, ना उत्तर प्रदेश का नागरिक है, ना तमिलनाडु का नागरिक है, ना कश्मीर का नागरिक है, वो भारत का नागरिक है और उसको देश में कहीं भी जाने का अधिकार है। लेकिन इसकी आड़ में आप अपनी गलतियों को जायज नहीं ठहरा सकते। चलिए दीपक गौड़ जी, अजय वर्मा जी आपसे भी लूंगा प्रतिक्रिया। दीपक गौड़ जी, आपके हिसाब से ये जो बयान दिया है बाला साहब ठाकरे ने, आप इसको जायज ठहरा सकते हैं क्या? सोनिया को इटालियन कहना या पवार और शिंदे को बेताल कहना, आप इसको जायज ठहरा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सोनिया जी के बारे में जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है, ये कोई पहली बार की नहीं है कि इस तरह की बातें आई हैं। इससे पहले भी कई बार विदेशी मूल का मामला उठता रहा है
और जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी तब भी लोगों ने इसका विरोध किया, इसके बाद ही उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रपोज किया था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि आज विदेशी मूल का मामला उठा, ये पहले से उठता रहा है, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पार्टियों ने इस मामले को उठाया है और जनता के बीच में लोग लेके आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता भी इस बात को मानती है कि वो देश के इटालियन या जो भी देश से बाहर विदेशी उनको कहा जाता रहा है। लेकिन मैं एक बात अभी वर्मा जी की बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि वर्मा जी अभी ये कह रहे थे कि जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो अच्छे अव्वल होते हैं वो आगे आते हैं, लेकिन मैं वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप रोज संसद के अंदर कभी आप पदोन्नति आरक्षण का विधेयक लाते हैं, कभी आप मुस्लिम आरक्षण का विधेयक लाते हैं एक तरफ आप, दूसरी तरफ आप करते हैं कि हम टैलेंट की बात करते हैं, जो टैलेंटेड व्यक्ति है उसको आप आगे ला रहे हैं। जब आप किसी को आरक्षित व्यक्ति को आगे ला रहे हैं, कांग्रेस की नीति हमेशा रही है आरक्षण देकर किसी भी आदमी को आगे लाना, तो फिर यहाँ टैलेंट की बात कहाँ से रही। इसी तरीके से जिस तरीके से आप पदोन्नति शिक्षा में आरक्षण दे रहे हैं, नौकरी में दे रहे हैं, उसी तरीके से आप सामाजिक कार्यों में और जो देश में जो करेंसी है, जो भी अभी शुक्ल जी ने प्रश्न उठाए, उन सब में आरक्षण ही तो चल रहा है एक तरह से गांधी परिवार का। अजय जी आपकी प्रतिक्रिया। हेलो जी अजय जी, मेरे को आवाज मिस कर गई बीच में आप सब लोगों की। वर्मा जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीके से जो आरक्षण नीति देश में लागू है उसी तरीके से देश के सिस्टम में गांधी परिवार का भी आरक्षण है और वही उसी तरीके से देश को चलाया जा रहा है। आवाज नहीं आ रही है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज उनको शायद लग रहा है नहीं पहुंच पा रही, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। चलिए दीपक गौड़ जी अब आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से देश की जनता, जो देश की जनता पे आरक्षण सिस्टम कांग्रेस ने पिछले 60 साल से थोपा हुआ है और वो उसको बढ़ाती जा रही है, अब जो ये जो कांग्रेस है वो भी एक तरह से आरक्षण है देश के ऊपर, इसको आरक्षित कर दिया है कि भाई ये कानून जो बनाएंगे, जो थोपेंगे वही हमें सहने पड़ेंगे। ये बिल्कुल आरक्षण नहीं है, योग्यता नहीं है। हेलो जी जी, ये बिल्कुल आरक्षण नहीं है मान्यवर मेरे काबिल दोस्त, योग्यता को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन हिंदुस्तान के संविधान का एक पार्ट लोगों ने विभिन्न विभिन्न माध्यमों से विभिन्न विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में या विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं में तो बना दिया है, लेकिन राजनीति में जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बीच में बात कर रहे हैं, मैं मान्यवर आपको ये बताना चाहूंगा कि काबिलियत तो किसी आईने की या किसी दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, योग्यता अपना रास्ता खुद बना लेती है। अगर आपकी पार्टी है, आप में दम है, तो हिंदुस्तान में आप लोग भी अपना रास्ता बनाकर चुनकर देश को चलाइए। कौन किस को नहीं, मैं तो सिर्फ पार्टी में गांधी परिवार के गांधी परिवार के दीपक गौड़ जी आपकी बात पर मैं रिस्पॉन्स लूंगा यहाँ पर अजय वर्मा जी से, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।